लोक कल्याण के लिए आत्मत्याग करने वालों में महर्षि दधीचि का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। इनकी माता का नाम शांति और पिता का नाम अर्थवा ऋषि था। ये तपस्या और पवित्रता के प्रतिमूर्ति थे। अटूट शिव भक्ति और वैराग्य में इनको जन्म से ही निष्ठा थी। एक बार महर्षि दधीचि बड़ी ही कठोर तपस्या कर रहे थे। इनकी अपूर्व तपस्या के तेज से तीनों लोक आलोकित हो गए और इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र को लगा कि महर्षि दधीचि अपनी कठोर तपस्या के द्वारा इंद्रपद छीनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने महर्षि दधीचि की तपस्या को खंडित करने के उद्देश्य से परम रूपवती अलम्भूषा अप्सरा के साथ कामदेव को भेजा। अलम्भूषा और कामदेव के अथक प्रयत्न के बाद भी महर्षि अविचल रहे और अंत में विफल मनोरथ होकर दोनों इंद्र के पास लौट गए। कामदेव और अप्सरा के निराश होकर लौटने के बाद इंद्र ने महर्षि की हत्या का निश्चय किया और देवसेना को लेकर महर्षि दधीचि के आश्रम पर पहुंचे। वहां पहुंचकर देवताओं ने शांत और समाधिस्थ महर्षि दधीचि पर अपने कठोर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करना शुरू कर दिया। देवताओं के द्वारा चलाए गए अस्त्र शस्त्र महर्षि की तपस्या के अभेद दुर्ग को ना भेद सके और महर्षि अविचल समाधि की स्थिति में बैठे रहे। इंद्र के अस्त्र शस्त्र भी उनके सामने फेल हो गए। हार कर देवराज स्वर्ग लौट आए। एक बार देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे, उसी समय देवगुरु बृहस्पति आए। अहंकारवश गुरु बृहस्पति के सम्मान में इंद्र उठकर खड़े ही नहीं हुए। बृहस्पति ने इसे अपमान समझा और देवताओं को छोड़कर अन्यत्र चले गए। देवताओं को विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाकर काम चलाना पड़ा, किंतु विश्वरूप कभी कभी देवताओं से छिपाकर असुरों को भी यज्ञ भाग दे दिया करता था। इंद्र ने उस पर नाराज होकर उसका सिर काट दिया। विश्वरूप त्वष्टा ऋषि का पुत्र था। उन्होंने क्रोधित होकर इंद्र को मारने के उद्देश्य से महाबली वृतासुर को उत्पन्न किया। वृतासुर के भय से इंद्र अपना सिंहासन छोड़कर देवताओं के साथ मारे मारे फिरने लगे। ब्रह्मा जी की सलाह से देवराज इंद्र महर्षि दधीचि के पास उनकी हड्डियां मांगने के लिए गए। उन्होंने महर्षि से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु त्रिलोक्य की मंगल कामना हेतु आप अपनी हड्डियाँ हमें दान दे दीजिए। महर्षि दधीचि ने कहा, देवराज वैसे तो अपना शरीर सबको प्रिय होता है, किंतु लोक हित के लिए मैं तुम्हें अपना शरीर प्रदान करता हूँ। महर्षि दधीचि की हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ, जिससे वृतासुर मारा गया। इस प्रकार एक परोपकारी ऋषि के अपूर्व त्याग से देवराज इंद्र बच गए और तीनों लोग सुखी हो गए। अपने अपकारी शत्रु के भी हित के लिए सर्वस्व त्याग करने वाले महर्षि दधीचि जैसा उदाहरण संसार में कहीं भी मिलना कठिन है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इसी तरह के धर्म और ज्ञान से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।